हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल स्टडी माई वे में। जैसा कि दोस्तों हम सब जानते हैं, जो अपना राजस्थान GS और GK का जो पोर्शन है, जो अपने राजस्थान JEE में आने वाला है, उसके लिए अपन ने कंप्लीट लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रखी है। तो आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, और दोस्तों वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिए और जितना हो सके इनको शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस सीरीज़ का बेनिफिट उठा सके। और हमें कमेंट करके भी ज़रूर बताइए कि आपको सीरीज़ कैसी लग रही है, या फिर कोई डाउट होता है तो आप वो भी बता सकते हैं। तो अपन पढ़ रहे थे दोस्तों राजस्थान ज्योग्राफी। अपन ने ऑलरेडी 20 पार्ट पढ़ लिए हैं, 20 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हो चुके हैं राजस्थान ज्योग्राफी के। वो वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएंगे, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं आराम से। तो वहां से आप मिल जाएंगे आपको वीडियोस, और वो राजस्थान GS GK फॉर JEE 2020 RS करके प्लेलिस्ट है। तो ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप कोई भी राजस्थान का एग्जाम देते हो तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी अपन चलते हैं अपने अगले टॉपिक, अपने जो टॉपिक अपन चल रहा था, अपना टॉपिक लास्ट वीडियो में अपन क्या पढ़ रहे थे, अपन पढ़ रहे थे जो भौतिक, जो फिजिकल ज्योग्राफी है वो राजस्थान के पढ़ रहे थे, भौगोलिक प्रदेश पढ़ रहे थे। तो अपन ने लास्ट में अपन ने अरावली स्टार्ट कर दी थी। अरावली के अंदर अब मैं बात करूँ तो अपन ने विशेषताएँ पढ़ी थी। विशेषताओं के अंदर अपन ने अलग अलग विशेषताएँ पढ़ी। जैसे मैं बात करूँ, अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। और लास्ट जो अपन ने पॉइंट पढ़ा वो क्या पढ़ा था दोस्तों, कि अरावली पर्वतमाला की जो राजस्थान की जो अधिकांश नदियाँ हैं उनका उद्गम स्थल क्या है, अरावली पर्वतमाला है। अब अपन पढ़ते हैं इसका वर्गीकरण, इसका क्लासी फिकेशन। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए वर्गीकरण। अब देखिए, मैं अगर बात करूं वर्गीकरण का, तो मैं बात कर रहा हूं ऊंचाई के आधार पे। मैंने बेस किसको माना है, ऊंचाई। तो ऊंचाई के आधार पे राजस्थान को तीन भागों में विभाजित किया गया। राजस्थान की में अरावली को मैंने आपको जब वो पहले जो एक डायग्राम बनवाया था उसके अंदर मैंने आपको यहाँ से लेके जो विस्तार था उसके अंदर सबसे पहले मैंने उत्तरी अरावली, उत्तरी मध्य अरावली और दक्षिण अरावली इस तरीके से बताया। तो उन्हीं तीनों भागों को अपन पढ़ेंगे और उनके अंदर कौन कौन सी आती हैं वो चीज़ें अपन पढ़ेंगे। तो लिखिए इसके अंदर ऊंचाई के आधार पर राजस्थान में अरावली को तीन भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में, तीन भागों में। तो सबसे पहला जो भाग है वो है अपना कौन सा, उत्तर से पढ़ते हैं अपन, नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो कौन सा था, उत्तरी अरावली। ठीक है, तो लिखिए उत्तरी अरावली। कोई हार्ड टॉपिक नहीं है, बहुत ही इजी सा टॉपिक है ये वाला, है ना। फिर देखिए, सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करूं विस्तार की, किसकी मैं बात कर रहा हूं, विस्तार की, तो इसके विस्तार की अगर मैं बात करूं तो ये कौन कौन से जिलों में फैला हुआ है, तो ये उत्तरी राजस्थान का, जैसे बात कीजिए किस तरीके से राजस्थान है, ये अरावली है। तो उत्तरी अरावली कौन सी, इधर वाली हुई, ये उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और ये दक्षिणी अरावली, है ना। तो इस तरीके से है, तो यह वाला, ये यहाँ पे कौन कौन से जिले आ गए, अपना जो दिल्ली NCR से, आज से अपन जैसे आप दिल्ली से जयपुर की तरफ आते हो तो जो जो जिले आते हैं वो अरावली के अंडर आ जाएंगे, जैसे अपना जयपुर, अलवर, सीकर और झुंझुनू। तो लिखिए जयपुर, अलवर, सीकर और कौन सा, झुंझुनू। झुंझुनू में भी इसका फैलाव है, ठीक है। तो ये हो गए विस्तार, ठीक है। औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई उत्तरी अरावली की इतनी कोई खास ज़्यादा नहीं है, तो ऑन एंड एवरेज जयपुर में फिर भी कुछ आपको ठीक मिल जाएगा, नारगढ़ वगैरह जो आमेर वाला इलाका है। औसत ऊंचाई इसकी 450 मीटर, ठीक है। औसत ऊंचाई कितनी हुई, 450 मीटर। फिर मैं बात करूं प्रमुख चोटियां की, ठीक है, तो प्रमुख चोटियों की अगर मैं बात करूं, प्रमुख चोटियां हैं अपनी, जैसे
सबसे जो हाईएस्ट है वो है आपकी सिक्कर में, उसका नाम है रघुनाथगढ़। क्या नाम है? रघुनाथगढ़। कहाँ पे है? सिक्कर में। हाइट है इसकी 1055 मीटर। दूसरे की मैं बात करूँ, खो नागोरियन या खो भी बोलते हैं, खो है अपने जयपुर में, ट्रांसपोर्ट नगर के आसपास है जयपुर में, 990 मीटर। फिर तीसरे पे है भरोच, भरोच अपनी है अलवर में, और इसकी ऊंचाई है 792 मीटर। चौथी है बरवाड़ा। क्या नाम है? बरवाड़ा। बरवाड़ा है अगेन अपने जयपुर डिस्ट्रिक्ट में, जयपुर में है 786 मीटर बरवाड़ा। पांचवे लिखिए बबाई, बबाई ये है अपना झुंझुनू में, और झुंझुनू में इसकी है 780 मीटर। छठे पे है बिलाली, बिलाली है अपने अगेन अलवर में, अलवर में अरावली का अच्छा खासा फैलाव है, अलवर में 775 मीटर। सातवें पे है बैराट, और बैराट कहाँ पे है? अपना जयपुर में। जयपुर में, जयपुर में है इसकी 704 मीटर। फिर है अपना भानगढ़, भानगढ़ तो सबको पता ही है हॉन्टेड प्लेस, तो ये कहाँ पे? अपना अलवर में, और इसकी वहाँ पे ऊंचाई है 649 मीटर। और फिर है अपना जयगढ़, जयगढ़ दुर्ग सबको पता ही है कहाँ पे है? जयपुर में, जहाँ पे एशिया की सबसे बड़ी तोप है, है तो वो कौन सी है? जयपुर में। तो इसकी है ऊंचाई 648 मीटर। और फिर अपना दसवें नंबर पे नाहरगढ़, नाहरगढ़ भी सबको पता है कहाँ पे है? जयपुर में। तो इसकी है ऊंचाई 599 मीटर। किसकी हो गई? नाहरगढ़ की। तो इतना आप एक बार लिख लीजिए। और यही बात हो गई अपनी उत्तरी अरावली की, ठीक है? एक बार मैं रिपीट करवा देता हूँ। पहले पे है रघुनाथगढ़ सिक्कर 1055 मीटर, खो है अपना जयपुर में 990 मीटर, भरोच है अलवर में 792 मीटर, बरवाड़ा है जयपुर में 786। ये आपको डेटा याद नहीं होगा लेकिन चलेगा, लेकिन आपको जगह और डिस्ट्रिक्ट याद होना चाहिए। पहला दूसरा तीसरे तक याद कर लीजिए कि कितनी कितनी है, लेकिन आपको ये मीटर भी याद नहीं होगा, चल जाएगा ना। बरवाड़ा जयपुर 786 मीटर, बबई झुंझुनू में 780, बिलाली अलवर में 775, बैराट जयपुर में 704 मीटर, भानगढ़ अलवर में 649 मीटर, जयगढ़ जयपुर में, नाहरगढ़ जयपुर में 648 जयगढ़, 599 नाहरगढ़, ठीक है? तो ये बात हो गई अपनी उत्तरी अरावली की। अब अपन चलते हैं मध्य अरावली के तरफ, तो आप इसको लिख लीजिए, है ना? मध्य अरावली, मध्य अरावली मैंने बताया जो भी मैप बनाया था वो कहाँ है? बीच में। तो जयपुर के आगे जब आप जो अपन NH पे चलते हैं जो अरावली से सटा हुआ रहता है, तो जयपुर के बाद कौन सा आता है डिस्ट्रिक्ट? अजमेर आता है। तो इसका विस्तार कहाँ है? अजमेर जिले में इसका विस्तार है, अजमेर में, ठीक है? औसत ऊंचाई की मैं अगर बात करूं तो इसकी औसत ऊंचाई है 550 से लेके 750 मीटर। ये बात हो गई औसत ऊंचाई की। प्रमुख चोटियों की बात करते हैं,
प्रमुख चोटियां हैं, पहली है, लिखते जाइए साथ साथ, गोरम जी। क्या नाम है? गोरम जी। गोरम जी जो कि है कहाँ होगी? अजमेर में ही होगी, ऑब्वियस सी बात है, अजमेर में। इसकी ऊंचाई है 934 मीटर, 934 मीटर। फिर मैं बात करूँ मोरिया जी, मोरिया जी टॉटगढ़ में है, मोरिया जी है इसका नाम, एक टॉटगढ़ भी बोलते हैं इसको, मोरिया जी या फिर ब्रैकेट में लिख लीजिए टॉटगढ़, ठीक है, टॉटगढ़। और अगेन दिस वन इज इन अजमेर, 933 मीटर ऊंचाई। फिर बात करें तीसरे पे है तारागढ़, तारागढ़ आप सबको पता है, अगेन अजमेर में है, ये कितना है 873 मीटर, तारागढ़ की बात हो गई। फिर है अपना नाग पहाड़, और नाग पहाड़ भी अजमेर में, और ये कितने पे है 795 मीटर। तो ये बात हो गई किसकी, मध्य अरावली की प्रमुख चोटियों की, चार ही है मात्र, गोरम जी अजमेर 934 मीटर, मोरिया जी अटौटगढ़ 933 मीटर, तारागढ़ अजमेर 873 मीटर, और नाग पहाड़ अजमेर में ही 795 मीटर। तो ये बात हो गई किसकी, नाग पहाड़ की, ठीक है। तो ये तो हो गई कुछ प्रमुख चोटियाँ। अब यहाँ पे कुछ प्रमुख दर्रे भी हैं, है ना, उन दर्रों की भी बात कर लेते हैं, पासेज हैं कुछ यहाँ पे, पूछ लिए जाते हैं आपसे प्रमुख दर्रे। तो इसमें पहला जो दर्रा है वो है अपना बर दर्रा। बर आप अजमेर से अजमेर से जब जोधपुर की तरफ जाते हैं तो अजमेर के बाद आता है ब्यावर, ब्यावर के से आप पाली की तरफ जाते हैं या फिर जो जोधपुर की तरफ रास्ता आता है तो वहाँ पे एक जगह आती है बर, है ना, तो वो एक मोड़ है, तो वहाँ पे दर्रा है बर। तो ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आ गया अपने का, पाली। फिर है अरनिया दर्रा, अरनिया दर्रा अगेन अपना है अजमेर डिस्ट्रिक्ट में। तीसरे की मैं बात करूं तो वो है झीलवाड़ा दर्रा, झीलवाड़ा दर्रा, और यह भी है अपना अजमेर में, झीलवाड़ा दर्रा, ठीक है। फिर है अपनी पीपली दर्रा, पीपली दर्रा है अपना अगेन अजमेर में, ठीक है। फिर पांचवे की मैं बात करूं तो पांचवा है अपना शिवपुरी दर्रा, शिवपुरी दर्रा, यह भी कहां होगा अपना अजमेर में। और छठा है सूरा घाट दर्रा, और यह भी है अपना अजमेर में। सारे दर्रे अजमेर में है, बस एकमात्र जो बर दर्रा है वैसे ही क्या बॉर्डर पे एक तरीके से, ना, पाली के, लेकिन ये पाली के अंडर आ जाता है और अजमेर के बिल्कुल ज़्यादा, ब्यावर अजमेर के पास में ही है, तो इसलिए ये क्या है इसके अंदर अपन को पढ़ना मिलता है। और सारी बाकी दर्रे कहाँ पे, अजमेर में, बर दर्रा, अरनिया दर्रा, झीलवाड़ा दर्रा, पीपली दर्रा, शिवपुरी दर्रा और सूरा घाट दर्रा। तो इतना आप एक बार लिख लीजिए और यही अपना कंप्लीट हो गया, मध्य अरावली भी लिख लीजिए। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, अपन पढ़ते हैं जो लास्ट है अपना दक्षिण दक्षिण अरावली के बारे में। अब देखिए दक्षिणी दक्षिण अरावली,
जो सबसे जो ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं वो ऑब्वियसली बात है दक्षिण की जो अरावली है वहीं मिलेगी। जैसे अपना डिस्ट्रिक्ट है सिरोही, माउंट आबू रोड, माउंट आबू वो सिरोही में है, उदयपुर और राजसमंद। तो इसका विस्तार लिखिए, विस्तार कहाँ है इसका, उदयपुर, उदयपुर से फिर चले राजसमंद और देन सबसे नीचे है अपना सिरोही, और सिरोही के बाद आपको पता ही है बनासकांठा जो डिस्ट्रिक्ट है पालनपुर तक ये जाती है ना, तो पालनपुर ये वहाँ से स्टार्ट होती है तो वहाँ तक है इसका, तो सिरोही ठीक है। औसत ऊंचाई की मैं बात करूँ यहाँ पे एवरेज हाइट है इसकी 900 मीटर। कितनी है एवरेज हाइट, 900 मीटर है इसकी एवरेज हाइट। अब अपन यहाँ पे कुछ प्रमुख चोटियों की बात करेंगे, तो प्रमुख चोटियों में पहले नंबर पे सबसे कौन सी है, सबको पता है सबसे हाईएस्ट चोटी कौन सी अरावली की, गुरु शिखर है ना, तो कौन सी है जो कि अपने माउंट आबू में सिरोही डिस्ट्रिक्ट में, आपने काफी टूर भी किया हो सकता है, बहुत ही अच्छी जगह है गुरु शिखर सिरोही में। अब इसकी दो हाइट मिलती है आपको, कहीं जगह आपको 1722 मिलती है और कहीं जगह आपको 1727 मिलती है ना, कहीं किताबों में आपको 1722 मिलती है, कहीं जगह 1727। अब मैं बात करूँ कौन सी सही है कौन सी गलत है, तो दोस्तों दोनों ही सही है। अब कैसे है सही, अगर बोल दिया जाए सपोज, वैसे तो श्योर सी बात है दोनों ऑप्शन में चार में से दोनों में से कोई ना कोई एक होगी है ना, तो आप कर पाओगे और सपोज और ऐसा ही होगा 100% दोनों, लेकिन अगर इनका मतलब सिग्निफिकेंस क्या है, 1722 क्या है, 1727 किस वजह से, तो अगर मैं बात करूँ सरफेस से धरातल से तो लंब तो कितनी है 1722, समुद्र तल ऑब्वियस सी बात है धरातल से थोड़ा नीचे होगा, तो जो समुद्र तल से अगर बात करें तो कितनी हो जाती है, समुद्र तल से 1722, बात समझ में आई। तो यह लॉजिक था किसके बिहाइंड, 1722 और 1727 के बीच में ठीक है। तो इतना आप एक बार लिख लीजिए, फिर आगे की चोटियां अपन लिखते हैं। स्टूडेंट्स आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी, ऑलरेडी 20 वीडियो अपलोडेड हो चुके हैं, तो वीडियोस को लाइक कीजिए शेयर कीजिए है ना, ताकि ज़्यादा स्टूडेंट, फ्री ऑफ कॉस्ट है तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही मेहनत से प्रिपेयर किए जाते हैं, आप भी देख रहे होंगे है ना, यही कंटेंट आप बहुत सारा पे करके भी आपको ऐसा कंटेंट नहीं मिल पाता है ना, पेड कोर्सेज लेके देख लेना जिन्होंने ले रखे हैं पता है हमें ठीक है। तो अपन बात करते हैं आगे, पहली चोटी की बात कर ली अपन ने गुरु शिखर, फिर है सेकंड नंबर पे अपनी शेर, शेर अगेन अपनी कहाँ होगी, सिरोही में ही होगी, सारी जो प्रमुख प्रमुख चोटियाँ हैं ऊंची ऊंची सिरोही, इसकी हाइट है 1597 मीटर, तो दूसरी कौन सी होगी, शेर हो गई, शेर हो गई। तीसरे पे है दिलवाड़ा, दिलवाड़ा है अगेन अपनी सिरोही में, और ये कितनी है 1442 मीटर। फिर है जरगा, क्या नाम है जरगा, और जरगा है अपनी उदयपुर में, कहाँ पे है उदयपुर में, इसकी हाइट है 1430 मीटर। फिर है अचलगढ़, अचलगढ़ है अपनी अगेन सिरोही में, वापस सिरोही पे आ गए अपन, और इसकी हाइट है 1380 मीटर। फिर मैं बात करूँ, फिर है कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ आपको पता है अपना गढ़, वहाँ पे जो किला है, तो कुंभलगढ़, तो ये कहाँ है अपना मेवाड़, दैट इज राजसमंद में, कुंभलगढ़ राजसमंद, ये कितना हो गया 1224 मीटर। फिर है ऋषिकेश, ऋषिकेश है अपना
सिरोही में 1017 मीटर, लिखते जाइए साथ साथ आप। ऋषिकेश के बाद है कमलनाथ, कमलनाथ है उदयपुर में, उदयपुर 1001 मीटर। फिर है सज्जनगढ़, सज्जनगढ़ अगेन उदयपुर में 938 मीटर, 938 मीटर। फिर बात करें सज्जनगढ़ के बाद है अपना सायरा, सायरा अगेन उदयपुर में 900 मीटर। ग्यारहवें पे है लीलगढ़, लीलगढ़ का क्या है कॉन्सेप्ट, अगेन उदयपुर में 878 मीटर्स की ऊंचाई हो गई। फिर मैं बात करूं नाग पानी, नागपानी पहाड़ी है अपने उदयपुर में अगेन, और इसकी हाइट है 867 मीटर। और तीसरी अपनी गोगुंदा, गोगुंदा कहाँ है अपनी, अगेन उदयपुर में 840 मीटर। तो ये बात हो गई किसकी, अपनी जो मध्य सॉरी दक्षिण अरावली है उसकी चोटियों की, प्रमुख प्रमुख चोटियों की। तो इसको आप एक बार लिख लीजिए, फिर अपन प्रमुख दर्रे लिखते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं अपन, अब बात करते हैं इसके अंदर जो प्रमुख दर्रे हैं उनकी। तो मैं दर्रों की मैं बात करूं तो यहां पे है एक देसूरी, देसूरी दर्रा, देसूरी जो दर्रा है ये अपन ने एनएच जब पढ़ा था नेशनल हाईवे वहां पे पढ़ा था, ये कौन से जगह में है, पाली में, पाली में है देसूरी नाल या देसूरी दर्रा। फिर है अपना सोमेश्वर दर्रा, सोमेश्वर, और सोमेश्वर है अपना अगेन यह भी पाली में। सोमेश्वर के बाद है अपना स्वरूप घाट, स्वरूप घाट भी है अपना पाली में। फिर मैं बात करूं स्वरूप घाट के बाद है गोरम घाट, गोरम घाट है अपना राजसमंद में, जो गोरम घाट धर्रा है वो अपना राजसमंद में। फिर मैं बात करूं एक है कामली घाट, कामली घाट भी अपना राजसमंद में। कामली घाट के बाद है अपना हाथी गुफा दर्रा, हाथी गुफा जो दर्रा है वो भी अपना कहाँ है राजसमंद में। कहते हो गए छह दर्रे। ठीक है, फिर बात करूं छह हो गए ना, सातवां है अपना केवड़ा की नाल, केवड़ा की नाल है अपना उदयपुर में। केवड़ा की नाल के बाद है फुलवारी की नाल, फुलवारी की नाल, और फुलवारी की नाल भी कहाँ है अपना उदयपुर में। फिर बात करूं देबारी दर्रा, ये भी अपन ने पढ़ा था देबारी दर्रा, देबारी का दर्रा है अगेन अपना उदयपुर में। फिर है अपना हाथी दर्रा, एक है हाथी गुफा दर्रा जो कहाँ है राजसमंद में, और बात करें हाथी दर्रा तो हाथी दर्रा उदयपुर में राजसमंद में नहीं है अपना, कहाँ है
उदयपुर में। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है दोनों में, हाथी गुफा दर्रा राजसमंद में है और हाथी दर्रा पूछे तो कहाँ है, उदयपुर में है। फिर बात करूँ पगलिया नाल, क्या नाम है, पगलिया राजस्थान में जो अपने फुटप्रिंट्स होते हैं उनको पगलिया बोलते हैं, तो पगलिया नाल, तो पगलिया नाल कहाँ पे है, उदयपुर में, ठीक है। और इसका एक नाम और मिलता है जीलवा नाल, क्या नाम मिलता है, जीलवा नाल, ठीक है। तो आप इतना लिख लीजिए। देसुरी पाली, सोमेश्वर पाली, सरूप घाट पाली, गोरम घाट राजसमंद, कामली घाट राजसमंद, हाथी गुफा दर्रा राजसमंद, केवड़ा की नाल उदयपुर, फुलवारी की नाल उदयपुर, देबारी दर्रा उदयपुर, हाथी दर्रा उदयपुर, पगलिया नाल उदयपुर, और पगलिया नाल या झीलवा नाल भी इसको बोला जाता है। तो ये बात हो गई किसके, दक्षिण अरावली का एक था। एक पॉइंट अब मैं लिखवाता हूँ, वो ये है अगर आपसे कोई पूछे कि अरावली की सबसे ऊंची चोटियां कौन से ज़िले में हैं, तो कौन से ज़िले में, कौन से, सिरोही में। और अगर आपसे कोई बोले कि सर्वाधिक चोटियां कहाँ पे हैं, तो सर्वाधिक चोटियां होगी सिरोही में, नहीं होगी वो है अपने उदयपुर में। ये चीज़ आपने वहाँ पर प्रमुख चोटियां पढ़ रहे थे वहाँ भी, तो इस चीज़ को आप एक बार लिख लीजिए। तो लिखिए राजस्थान में, राजस्थान में अरावली की सर्वाधिक चोटियां सिरोही जिले में स्थित है, जबकि अरावली की सर्वाधिक, यहाँ पे ऊंची नहीं लिखा, सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ, ना ऊंची होगा ना, सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ कहाँ पे, सिरोही में। और अगर बात की जाए अरावली की सर्वाधिक चोटियाँ नंबर में बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ है, उदयपुर में। तो लिखिए सर्वाधिक चोटियां में स्थित है। यह बात हो गई किसके, अपने दक्षिण जो अपना अरावली था, और ये जो अपना अरावली की जो चोटियां वगैरह वाला जो टॉपिक है वो अपना कंप्लीट हो गया है, ठीक है। ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया है। अब अपन जो इसका अरावली के अंदर जो लास्ट टॉपिक है वो पढ़ रहे हैं, अरावली में स्थित प्रमुख पठार। यह जो अपनी अरावली सीरीज है इसके अंदर आपको कुछ सारे, बहुत सारे पठार भी मिलते हैं प्रमुख प्रमुख, तो उनके बारे में भी अपन पढ़ेंगे एक एक करके। तो सबसे पहला अपन पढ़ेंगे, कोई भी टॉपिक अपना रहना नहीं चाहिए ना, कि कहीं से भी क्वेश्चन आए आप करने के लिए तैयार रहें, भोराट का पठार। तो भोराट के पठार की मैं बात करूं तो लिखिए आप, नेक्स्ट हेडिंग डालिए अरावली में स्थित प्रमुख पठार, उसमें पहला है भोराट का पठार, ठीक है। तो भोराट का पठार आपको पता है कैसे ऊंचाई पे होता है, और ऊपर जाके एकदम समतल जगह हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं अपन, पठार। तो अगर मैं बोलूं ये स्टार्ट कहां से हो रहा है, गोगुंदा, गोगुंदा कहां है अभी बताया था, उदयपुर में, से लेकर कुंभलगढ़ राजसमंद तक ये पठार का फैलाव है। तो इसको क्या बोल दिया गया, भोराट का पठार। ये बात हो गई भोराट के पठार की, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। फिर है
ऊपर माल का पठार, इसकी बात कर रहे हैं, ऊपर माल के पठार की। तो यह होता है स्टार्ट अपना बिजोलिया। बिजोलिया आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे, बिजोलिया आंदोलन वगैरह, तो वहाँ पे जब पढ़ाएंगे तो आपको बिजोलिया का भी सिग्निफिकेंस समझ में आएगा। तो बिजोलिया था अपना मेवाड़ में, मेवाड़ मतलब उदयपुर, सॉरी बिजोलिया मतलब मेवाड़ में तो है ही, लेकिन भीलवाड़ा, भीलवाड़ा बिजोलिया। और सिक्स स्टार्ट हो गए, ख़त्म कहाँ होता है, भैंस रोड गढ़, और भैंस रोड गढ़ है अपना चित्तौड़ गढ़ में। तो ये कौन सा है, ऊपर माल का पठार है, कौन सा, ये वाला, ठीक है। इसकी बात हो गई भराट का पठार और ऊपर माल का पठार। तीसरा अपन बात करेंगे भूमट का पठार। अब ये दो जगहों के बीच में ना फैला होके तीन जगहों के बीच में एक ट्रायंगल त्रिभुज तरीके से बनता है, ट्रायंगुलर शेप बनाता है ऊपर से, है ना। तो एक जगह यहाँ है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और इस तरीके से ऊपर क्या बना लेगा, समतल। तो ये इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। तो यह है एक जगह उदयपुर, ये इधर है डूंगरपुर, और जो अपना डिस्ट्रिक्ट है बांसवाड़ा, इन तीनों के बीच में इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर बनाता है और ये पठार का निर्माण करता है। तो इसको क्या बोला जाता है, भूमट का पठार, क्या बोला जाता है, भूमट का और इस भूमट का पठार पे कौन सी, इसका नाम भूमट क्यों पड़ा, क्योंकि इस पे कौन सी जनजाति निवास करती है, भूमट जनजाति, बात समझ में आई, भूमट का पठार में कौन सी नाम इसलिए पड़ा इसका, भूमट जनजाति इस पे निवास करती है। कौन कौन से जगहों के बीच में, उदयपुर डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच में, त्रिभुजा आकार में है, ट्रायंगुलर शेप में है ये ऊपर से, तो इसलिए ये ट्रायंगुलर शेप में इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर रहता है ना। तो ये तो हो गया भूमट का पठार। फिर एक है आपका लासोड़िया का, लासोड़िया का पठार। लासोड़िया की अगर मैं पठार की मैं बात करूं तो इस तरीके से है, इधर देखिए जो इसका जो तल है, तल पे एक झील है, जयसमंद झील, क्या नाम है, जयसमंद झील, ये जब झील पढ़ेंगे तो वहां पे, तो जो जयसमंद झील के तल पे जो लासोड़िया का पठार है उसके तल पे कौन सी झील है, जयसमंद झील है, और इसी को क्या बोल दिया गया, और फिर ये यहाँ से पानी वगैरह आ जाता है तो झील का निर्माण होता है। तो ये कौन सा है, लासोड़िया का पठार, है ना। तो इसके तल में है, और अगर ऐसे बोला जाए जयसमंद झील के ये कौन से दिशा में है, क्या बोले हैं, उत्तर में, पश्चिम में, दक्षिण में, तो किधर होगा, ये पूर्व में स्थित है, ठीक है, ठीक है। तो लिख लीजिए इतना, फिर एक पॉइंट लिखवाऊंगा मैं, और पहले आप ये सब पूरा लिख लीजिए। फिर यहाँ पे एक आंदोलन हुआ था लासोड़िया आंदोलन, और चलाया गया था संत मावजी, तो वो चीज़ अपन वैसे कल्चर में ही पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे भी लिख लेते हैं ताकि आपको यहीं पे जो चीज़ है वो यहीं पे याद हो जाए। ठीक है, आप पॉज करके भी लिख सकते हैं, अपन इसको टॉपिक को आज ही कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। इसमें लिखिए सबसे पहला पॉइंट,
इसके बारे में है ना ये, तो आप इसके नीचे लिखिएगा, मैं यहां पे जगह है इसलिए मैं यहां लिख दे रहा हूं, उदयपुर में जयसमंद झील के पूर्व में स्थित पठार, कौन सा, लाशोड़िया पठार, तो लाशोड़िया में लिख रहे हैं तो लाशोड़िया पठार, उदयपुर में जयसमंद झील के पूर्व में स्थित पठार, स्थित पठार लाशोड़िया पठार हो गया। फिर जो आंदोलन हुआ था यहाँ पे लाशोड़िया संत माव जी के द्वारा चलाया गया था, क्या था उसके बारे में लिखिए, संत माव जी, एक संत हुए संत माव जी द्वारा चलाया गया लाशोड़िया आंदोलन एकमात्र समाज सुधार, समाज सुधार एवं बालिका शिक्षा मतलब लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने वाला राजस्थान में जनजातीय आंदोलन था। तो समझ में आया क्या विशेषता थी संत लाशोड़िया आंदोलन की, जो संत मावजी द्वारा चलाया गया और राजस्थान का एकमात्र ऐसा सुधार, समाज सुधार और बालिका किस पे बढ़ावा दिया गया कि जो गर्ल्स एजुकेशन है उसको बढ़ावा दिया गया, वो भी राजस्थान में जनजातीय आंदोलनों की कैटेगरी में। तो यह थी इसकी विशेषता। तो यह बात हो गई अपने लाशोड़िया पठार से रिलेटेड जो चीज़ें थी उसके बारे में। अब कुछ कुछ छोटे छोटे पठार और हैं तो वो अपन देख लेते हैं। चार की बात कर ली, अब है मेसा का पठार। मेसा का पठार है आपका चित्तौड़गढ़ में, और एक और जो चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है वो इसी मेसा के पठार पर बना हुआ है। तो उसके ब्रैकेट में लिख लीजिए, ऑब्वियसली बात है दुर्ग किसी पहाड़ी पे तो बना नहीं सकते इस तरीके की, पठार पे ही बनाना पड़ेगा। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है किस पे, मेसा का पठार पे। ये बात हो गई मेसा के पठार की। फिर है उड़िया का पठार। उड़िया का पठार है अपना सिरोही में। और मैं बात करूं राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, यह है। तो इसकी विशेषता क्या हुई, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, उड़िया पठार। और कहां पे, ऑब्वियसली बात सिरोही में सबसे ज्यादा ऊंची ऊंची चोटियां हैं तो वहीं होगा, ठीक है। ये बात हो गई। फिर है आबू का पठार। आबू का पठार, आबू कहाँ पे, माउंट आबू या फिर आबू रोड, सिरोही में ही है तो सिरोही में आ गया। फिर आठवां है अपन काकनवाड़ी, काकनवाड़ी का पठार। यह कहाँ है अपना, अलवर में है। और जो आपका भानगढ़ दुर्ग है जो हॉन्टेड प्लेस है माना जाता है, अब कुछ है या नहीं मेरे को नहीं पता है ना, मेरे को लगता नहीं है कुछ है ना। तो अलवर दुर्ग जो आपका भानगढ़ है वो इसी दुर्ग, भानगढ़ जो दुर्ग है वो इसी पे स्थित है। तो कौन से पे है, काकनवाड़ी, भानगढ़ भानगढ़ दुर्ग स्थित है किस पे, काकनवाड़ी का पठार पे। यह बात हो गई, ठीक है। तो यह अपना जो पठार वाला जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब अपना कुछ शब्दावली है उसके बारे में बात कर लेता हूँ फटाफट, लिख लीजिए, अगर ज़्यादा जल्दी लगे तो आप वीडियो को पॉज करके लिख लेना।
शब्दावली, शब्दावली में अपन कुछ शब्दावली के बारे में बात करेंगे। जैसे गिरवा, आपने सुना होगा गिरवा, गिरवा क्या होता है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए शब्दावली करके, उसमें लिखे गिरवा। गिरवा क्या होता है, उदयपुर का जो आसपास का, आसपास में पाए जाने वाली अर्धचंद्राकार, मतलब हाफ जो चंद्रमा है अपना, चांद है, या तस्तीरुनुमा पहाड़ियों को क्या बोला जाता है, गिरवा। कहाँ पे, उदयपुर में। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर रहता है इनका, ये और यहाँ पे क्या है, ये पहाड़ियाँ इस तरीके से। तो ये क्या हो गई, गिरवा। तो लिखिए इसमें उदयपुर के, उदयपुर के आसपास पाए जाने वाली कैसी, अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार या तस्तरी नुमा पहाड़ियां क्या कहलाती है, गिरवा। कहां पे होना चाहिए, जगह उदयपुर के आसपास वाली जगह। तो ये बात हो गई गिरवा की। गिरवा के बाद भाकर, आपने सुना होगा भाकर भी बोलते हैं कहीं, तो अब भाकर कहां बोलते हैं, भाकर भी पहाड़ियों को ही बोलते हैं ना, ये अलग अलग शब्दावली रहती है अपनी अलग अलग, कि कहीं गिरवा बोलते हैं, कहीं किसी को भाकर बोलते हैं। तो भाकर के अंदर देखिए, सपोज इस तरीके से ये पहाड़ियां हैं अपनी, ठीक है, ठीक है। तो जो पूर्वी सिरोही है, कौन सा, पूर्वी सिरोही, तो पूर्वी सिरोही मतलब जो ईस्टर्न वाला जो आपका सिरोही का पार्ट है, उसमें पाई जाने तीर ढाल वाली, मतलब जिनका जो ढाल है, जो मतलब जिनका स्लोप है बहुत ज्यादा है, मतलब एकदम से हाई है, तो उनको क्या बोलते हैं, भाकर बोलते हैं पूर्वी सिरोही में। तो लिखिए इसमें पूर्वी सिरोही में पाई जाने वाली तीर्व ढाल वाली पहाड़ियां, ठीक है। चलो अब दो बची है, देशहरो और मेवल, है ना, ये अपन जो नेक्स्ट वीडियो उसके अंदर कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, छोटा छोटा सा है ना टॉपिक्स हैं, एक एक करके अपन कंप्लीट करते जा रहे हैं दोस्तों, है ना। तो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कैसे लग रहे हैं वीडियोज़ ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आर वीडियो।